हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स पहली बार ऑस्ट्रेलिया अप्लाई करता है किसी भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज के ऑफर लेटर के लिए। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा क्वेश्चन यही रहता है कि मैंने जिस भी यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में अप्लाई किया है वो कौन से लेवल में आता है, क्योंकि दोस्तों जो बहुत सारे एजेंट्स हैं वो स्टूडेंट को बेवकूफ़ बना देते हैं। वो उसके लेवल टू के यूनिवर्सिटीज या कॉलेज में अप्लाई कर देते हैं और स्टूडेंट्स को बोल देते हैं कि वो लेवल वन में आता है। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज कौन से लेवल में आता है। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं इसी चैनल पर डेली जो भी ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अपडेट, न्यूज या इन्फॉर्मेटिव वीडियो होती है वो डालता रहता हूँ, जिसे सुनकर आपको इतनी नॉलेज या इन्फॉर्मेशन हो जाएगी दोस्तों कि आप किसी फेक एजेंट की बकवास तो सुनने वाले नहीं हैं। यदि दोस्तों आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, और ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो भी ऑस्ट्रेलिया में लेवल वन या लेवल टू की यूनिवर्सिटीज या कॉलेज है उनमें डिफरेंस क्या होता है। जैसे कि दोस्तों आप खुद भी जानते हैं, जो भी लेवल वन की यूनिवर्सिटीज या कॉलेज अगर आप उसमें अप्लाई करते तो आपको एम्बेसी में फंड्स वगैरह शो करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और दोस्तों, यदि आप लेवल टू के लिए जाते तो आपको एम्बेसी में फंड्स शो करना ज़रूरी हो जाता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको ले चलता हूँ सीधे अपने फ़ोन की स्क्रीन पर। मैं गूगल पे आ गया हूँ दोस्तों। यहाँ पर आपको सर्च करना है डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट टूल ऑस्ट्रेलिया और इस ब्लू कलर वाले पे क्लिक कर देना दोस्तों, आप जो ये देख रहे हैं। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया की जो भी ऑस्ट्रेलिया होम अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है उसका पेज ओपन हो जाएगा दोस्तों। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा, आप वहाँ से डायरेक्ट इस पे जा सकते हैं दोस्तों। आप ये यहाँ रीड करके देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर यही लिखा है कि जो भी डॉक्यूमेंट आप जब अपनी फाइल ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में सबमिट करते हैं तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने होंगे दोस्तों, यहाँ पर यही लिखा है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको कंट्री ऑफ पासपोर्ट पर क्लिक कर देना है, जो जिस भी कंट्री से आपने अप्लाई किया, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, जहाँ से भी। मैं इंडिया के लिए आपको करके दिखा देता हूँ दोस्तों। और यहाँ पर आपको एजुकेशन प्रोवाइडर का नाम फिल करना दोस्तों, जिस भी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज में आपने अप्लाई किया है। मैं पहले आपको कॉलेज के लिए दिखाऊंगा दोस्तों और फिर आपको यूनिवर्सिटीज के लिए। ये मैं यहाँ पर पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट ऑस्ट्रेलिया के लिए दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर ये बहुत सारे ऑप्शन हैं, यहाँ पर आपको नोन ऑफ द अबो ही रखना दोस्तों और डिस्प्ले एविडेंस पे क्लिक कर देना है। मतलब दोस्तों, ये सभी जो भी डॉक्यूमेंट है सभी शो हो जाएंगे जो आपको अपनी फाइल के साथ लगाने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में। आप यहाँ पर देख सकते दोस्तों एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी वाला ऑप्शन भी दोस्तों, यानी आपको फंड शो करने होंगे अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करते हैं। तो दोस्तों, ये लेवल वन का तो कॉलेज है नहीं दोस्तों, इससे यही साबित होता है कि जब आपको फंड्स वगैरह शो करने तो दोस्तों ये लेवल वन का नहीं है। अब हम लेवल वन का ले लेते दोस्तों, जैसे कैपलन बिजनेस स्कूल, और डिस्प्ले एविडेंस पे क्लिक कर देते हैं। अब आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको ये फाइनेंशियल कैपेसिटी वाला कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा दोस्तों, यानी आपको फंड्स वगैरह शो नहीं करने दोस्तों ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में अगर आप इस कॉलेज में अप्लाई करते हैं। यानी ये लेवल वन का कॉलेज है दोस्तों, आप ऐसे चेक कर सकते हैं। आप एजुकेशन प्रोवाइडर का नाम भी लिख सकते हैं दोस्तों, और या उसका अगर आपको कोड पता है तो दोस्तों आप वो भी लिख सकते हैं। अब मैं आपको यूनिवर्सिटीज के लिए चेक करके दिखा देता हूँ दोस्तों। मैं टोरेंस यूनिवर्सिटी ले लेता हूँ और डिस्प्ले एविडेंस पे क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। ये लेवल टू की यूनिवर्सिटीज है दोस्तों, आप ये देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर एविडेंस ऑफ फाइनेंशियल कैपेसिटी वाला ऑप्शन आ गया दोस्तों, यानी इसके लिए आपको फंड शो करने होंगे दोस्तों एम्बेसी में अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं। तो अब मैं आपको लेवल वन की यूनिवर्सिटी के लिए दिखा देता हूँ दोस्तों, यूनिसा यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया के लिए, और डिस्प्ले एविडेंस पे क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों, अब आप देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर आपको फाइनेंशियल वाला कोई ऑप्शन शो नहीं हो रहा दोस्तों, यानी आपको फंड्स वगैरह शो नहीं करने हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया एम्बेसी में फाइल लॉन्च करते हैं, इसलिए ये लेवल वन की यूनिवर्सिटीज है। तो दोस्तों, मुझे पता है आप समझ गए होंगे कि आप कैसे लेवल चेक कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटीज लेवल वन में आती है या किसी और लेवल में आती है। यदि दोस्तों आपका कुछ फिर भी डाउट रह गया तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दोस्तों, वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का लाइक एम हम 200 लाइक्स का रखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।